पांच सालों में कैसे काम रहा है अंदर आप लोगों के, क्या क्या आया है? बहुत कुछ आ गया, पानी आ गया, रोड आ गया। पहले पानी नहीं था? नहीं जी, बहुत दिक्कत थी पहले। अच्छा, रोड कब बनी है? ये अभी बना हुआ है। किसने बनवाई है? यादव शास्त्री जी का नाम है। आदर्श शास्त्री। इस बार प्रत्याशी कौन कौन है पता है आप लोगों? हाँ बहुत हैं। कौन है यहाँ इस एरिया से? हाँ, आप इस एरिया से? तो आपके विनय मिश्रा जी आएंगे, आदर्श शास्त्री, आदर्श शास्त्री जी, प्रद्युम्न राजपूत जी। आप लोगों को कौन पसंद आ रहा है? हमको तो आदर्श शास्त्री जी पसंद आया, क्योंकि हमारा काम किया उन्होंने, पानी दिया हमारे को, रोड भी दिया है, सुरक्षा दिया है बच्चों के स्कूल में, सुरक्षा भी दी है, हिफाजत से अच्छा, हर तरीके से अच्छा किया उन्होंने। अच्छा, तो आई थिंक पानी पाइपलाइन आ गई है अंदर है पानी। हाँ, हमको किसी पाइप प्लीज आ गई, चल के थोड़ा सा अंदर देखते हैं क्या यहाँ से पानी है। यहाँ से लाइन गई अंदर पानी की? अच्छा, हाँ यहाँ से लाइन गई। सब घरों में पाइप आया? सब घरों में। देखो यहाँ भी टोंटी अंदर है। अच्छा। पानी आगे टोंटी है। अच्छा। और हर घर में टोंटी है। अच्छा, हमारे घर में भी टोंटी है, उधर भी हमारा, इधर को गया पानी। साफ सफाई के इंतजाम कैसे हैं? साफ सफाई तो ये खुद ही हम ही करते हैं। अच्छा, सबके बिजली कैसी आ रही है? रेगुलर है, रेगुलर बिजली आती है, कोई दिक्कत नहीं है लाइट के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक इज ओके। अच्छा, स्कूल जाते हो तुम? किस क्लास में हो? फिफ्थ में। कौन से स्कूल जाते हो? पीछे। कैसा है स्कूल? अच्छा है। अच्छा है। कोई बड़ा बच्चा भी है यहाँ फिफ्थ के ऊपर वाला? स्कूल कैसे हैं यहाँ पे? ठीक है सर, स्कूल तो अभी बच्चे ठीक है। हाँ ठीक है जी, स्कूल में बढ़िया पढ़ाई होती है, सब कुछ बढ़िया सुविधा मिलती है। अच्छा, जो अच्छा। नहीं जाता तो नहीं जाता, जो बच्चे जाते हैं वो। क्या नाम है आपका? राम कुमार नाम। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे दो, एक लड़की दो लड़का है। पढ़ते हैं? हाँ जी। किस क्लास में है? एक सिक्स में है दोनों, एक के जी में है। अच्छा, हाँ जी। क्या बनाना चाहते हैं? अब जो आप मजदूर आदमी है, जब जितने खा देते उस हिसाब जो मिल जाएगी नौकरी कर लेंगे, अपना प्राइवेट अपना कोई काम वाम करेंगे साहब। अच्छा, बस वही तमन्ना हमारी कि सरकारी मिल जाए तो और अच्छी बात है। और सरकारी हमारी कहाँ, इतना पैसा नहीं हमारे पास। सरकार से उम्मीदें लगती हैं आपको? सरकार तो साहब, हमें तो मजदूर आदमी है, हमें तो काम चाहिए, हमें विकास चाहिए, और हमें कुछ की दौलत तो चाहिए नहीं, हमें विकास मिल जाए, हमें सुविधाएं बढ़िया मिल जाए, बस वही हम उसी में खुशी रहते हैं। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं कि बिजली आ रही है, पानी की व्यवस्था, पानी क्या कमियाँ क्या है, क्या और होना चाहिए, क्या डिमांड इस बार जो चुनाव हो रहे हैं? शौचालय खराब है, हमारा शौचालय में गंदगी है, और यहाँ सफाई मतलब नहीं, जो सफाई कर्मचारी सफाई वाले नहीं आते साहब, बस और कोई सुविधाएं नहीं, मतलब और सब बढ़िया हमारे यहाँ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम संजय है। क्या करते हो संजय? मैं डिस्टर में काम करता हूँ। अच्छा। परमाइट लिमिटेड कंपनी है मेरी। तुम्हें क्या लगता है पिछले पाँच सालों में कैसा रहा काम? अभी सर इसमें अभी दो तीन सालों से बहुत खराब हुआ है ये काम। क्या खराब हुआ? सुलभ में बहुत मतलब गंदगी है, सफाई नहीं आती। आप लोग हर घर में सुलभ शौचालय नहीं? घर में घरों में किसी के वो नहीं है, बस एक में। तो एक शौचालय में कितने लोग आते हैं, कितने लोग जाते हैं? यहाँ पूरे प्रांत लाइन लगती है यहाँ पे। अच्छा, राशन की दुकान में लाइन नंबर लगाते हैं, यही लगाना पड़ता है। अच्छा, हाँ, एक शौचालय। घर कितने? घर तो बहुत है, 500-700 होंगे। 500-700 घर हैं। अच्छा, पानी की टोटी तो सबके लगे। क्या की, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण शर्मा। किरण शर्मा दुकान चलाती है? हाँ जी। अच्छा, पिछले पाँच साल से केजरीवाल सरकार, कैसा काम रहा उनका? बहुत बढ़िया रहा जी, हमारा बिजली का बिल जीरो है, पानी हमारे यहाँ कभी नहीं आया, वो पानी आया, रोड उन्होंने डलवाया, सीवर लाइन उन्होंने डलवाया। नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं? वो भी ठीक है अपनी जगह पे। अच्छा। वो भी ठीक है जी, वो हमारे प्रधानमंत्री, हम उनके कैसे बोल सकते हैं। अच्छा। चलिए पहले चल के सुलभ शौचालय देख लेते हैं आराम से। जन सुविधा परिसर, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड। बैठना पड़ता है, कुंडी भी नहीं है। अरे पानी भी नहीं, ये पानी भी नहीं है जी। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? कल्ली रानी है, पानी भी नहीं आया ऊपर। अच्छा, ये सीसीटीवी कैमरा चल रहा है? कहाँ आता कहाँ नहीं आता कुछ पता ही नहीं है। पता नहीं है कहाँ रिकॉर्ड होता है सर, पानी नहीं आ रहा कोई लैटरिन के लिए। ये दिल्ली सरकार ने बनवाया है, पानी भी नहीं आ रहा है, दरवाजे भी टूटे हैं, दरवाजे भी टूटे, देखो इसमें पानी नहीं आता क्या? दरवाजे सब टूटे पड़ी है, और ये देखो सब खराब पड़ी। ये कब बना था ये? इसको 3-4 साल हो गए, ये तो पहले बनी थी।
अभी तैयार नहीं हुआ, 3-4 साल हो गए। इसकी शिकायत नहीं किसी से जाके आप लोग? सब किसके यहाँ जाए, कोई हमें बताया कि इधर जाओ उधर जाओ तो हम जाए। अच्छा। हम मजदूर आदमी है साहब, कहाँ जाए। मतलब एक बार बन गया उसका मेंटेनेंस नहीं हुआ बस, जो नेता निकले वाले यहाँ तो ये बनी रहा सर। अच्छा। जब से शुरू से चालू है काम बंद होता है, 10 दिन काम चलता है और 20 दिन बंद होता है, ये काम चलता ही रहता बस। तो आपने विधायक के पास कभी गए नहीं? अभी यहाँ पे बहुत आदर्श शास्त्री थे आम आदमी पार्टी। हाँ क्या कह रहे हो? सर चुनाव होता है तभी विधायक आते हैं, वैसे कभी विधायक नहीं आते यहाँ पे, देखने भी नहीं आते कि कैसी सुविधा हो रही है, कैसे क्या हो रही है। वहीं से ऑर्डर दे देंगे, हम जाते हैं तभी सुविधा होती है, वैसे नहीं होती। एप्लीकेशन 2-10 आदमी जाते हैं तब एप्लीकेशन लेके जाते हैं, 10 आदमी जब अपना छुट्टी करके जाएंगे तो क्या कमाए के खाएंगे। तो चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं आप लोग ऐसी स्थिति में? अब 5 साल हो गए चुनाव है, वोट आप सबके यही है दिल्ली द्वारका विधानसभा में? हाँ सर। द्वारका विधानसभा आप लोग यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, क्या देख के वोट? विकास हो जाए और बस यही चाहते हैं। क्या होना चाहिए विकास? ये साफ सफाई होना चाहिए, कोई भी जो भी मतलब सफाई कर्मचारी आने चाहिए, नाले पूरे सब कोई तो खूब होता है। क्या नाम है आपका? चुकी के लोग यहाँ पर कचरा फेंकता है, पहली बात है कि सारे के सारे दारू पी की बोतल भरता है, सारे के सारे यहाँ गंदगी फैलाता है, सफाई वाले कितने सफाई करेगा सर? अभी यहाँ पर तेजाब नहीं आया है, आगे सब बंद है, अपना अपना चला दिया है। आप यही रहती होगी? जी मैं करती हूँ सफाई। हाँ जी आप सफाई क्या करती? हाँ जी सफाई में मैं करती हूँ, ये टॉयलेट बाथरूम मेरे सफाई। हाँ जी नाराज हो रही है आप, सफाई वाले काम करते तुम तो अच्छा काम। आप नाराज मत हो, ठीक है समझ गया। मैं करती हूँ तो हम ही बोलूंगी, यहाँ सारे झुग्गी के लोग कचरे फेंक देते हैं रात में लाके, और कहते हैं कि सफाई नहीं है, उल्टे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं मीडिया में, गलत होते हैं। आप लोग गंदगी फैलाते हो तो वो भी गलत है सर, इनकी बातों पर मत आइएगा, जो कहना गलत बात नहीं है। ये रात में ये सारे कचरे फेंकते हैं, मैं रात में यहाँ बैठे रहूं कुर्सी डाल के, ये टोटी हम लगेगा, ये सारे टोटी फोटी तोड़ देते हैं सर, सर पकड़ के बैठते हैं, सारे टोटी। चलिए बाहर चलते हैं, हो गए टॉयलेट की बात। टॉयलेट बना हुआ है, थोड़ी सी दिक्कतें हैं, गंदगी की दिक्कत है, पानी नहीं आ रहा उसकी दिक्कत है, ऐसी और तमाम इलाकों में हम जाएंगे और ऐसी और दिक्कतें हैं जो परेशानी लोगों की हैं, आम आदमी की हैं, उनसे आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉक, सौरभ हूँ कैमरे के पीछे, मेरे साथ रूहानी है, शुक्रिया।